हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में देखेंगे हम लोग 24 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक मार्केट कैसे रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। और निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो स्टॉक के बारे में आपने पूछा है वो स्टॉक भी हम लोग देखेंगे कैसे रहेंगे। तो आखिर तक ये वीडियो देखते रहिए। उसके पहले देखेंगे हम लोग की आने लास्ट वाला जो वीक था वो लास्ट वाले वीक में क्या हुआ था, ये भी हम लोग देखेंगे। तो लास्ट वीक था वो बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही डाउन था। तो वैसे आपको मैंने पहले बताया भी था कि मार्केट का डाउन ट्रेंड है, तो मार्केट है तो साइडवेज या तो डाउन जाएगा, आप जाने का चांसेस बहुत कम है। तो ऑलरेडी लास्ट वीक में जो फ्राइडे था, तो फ्राइडे को मार्केट एक टाइम पे सेंसेक्स जो है कि 1100 यानी 1100 पॉइंट नीचे गया था एक ही टाइम पे, यानी कि 10 मिनट का ये था। तो सब लोग जो नए लोग थे वो डर गए कि मार्केट ऐसा कैसे बिहेव कर सकता है। और बहुत लोग ने मुझे पूछा कि ये मार्केट में फ्री फॉल हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमको ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, अगर आप मार्केट में प्रैक्टिस करें और आपको मार्केट मालूम है, तो ऐसा जब गिरावट होता है तो आपको कुछ लगेगा नहीं, डर नहीं लगेगा। लेकिन आप नए हो मार्केट में तो इस चीज़ से आपको डर लग सकता है कि मार्केट ऐसे बिहेव क्यों करता है, ऐसे क्यों होता है। तो मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो फ्री फॉल हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। कि जैसे लास्ट वीक में एक खबर भी आया था, जैसे कि गुरुवार को छुट्टी था तो उसके पहले एक खबर आया था कि एस बैंक के सीईओ जो है उनको आगे का जो टर्म्स है उनका टर्म्स खत्म हो रहा है, तो उनको कंपल्सरी उनका पोजिशन से एग्जिट करने को कहा है आरबीआई ने, तो उनको पोजिशन एग्जिट करना है। तो वो येस बैंक के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज़ था, क्योंकि जो अभी करंट सीईओ है उन्होंने तो येस बैंक को इतना अच्छे तरह से एक किया था, ऊपर लेके आए थे। तो ये थोड़ा बहुत जो शेयर होल्डर रहते हैं उनके लिए नेगेटिव रहता है। तो सबको मालूम था येस बैंक तो वैसे भी नीचे ही खुलेगा, बट मार्केट ऊपर खुला था, सस्टेन भी कर रहा था। आफ्टरनून के बाद अचानक ऑल ऑफ अ सडन 10-15 मिनट में मार्केट ने 1100 तक नीचे गया था सनसेक्स दिन में, और निफ्टी आई थिंक 300-350 पॉइंट भी नीचे गया था। लेकिन रिकवर होके निफ्टी भी 90 पॉइंट तक माइनस में क्लोज हो गया। तो ये क्यों होता है मार्केट में ऑल ऑफ अ सडन जो फ्री फॉल हुआ था। दूसरा एक न्यूज़ आया था, जैसे कि कुछ दिन से पहले IL&FS करके जो है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसने कुछ LC डिफॉल्ट किए थे, तो उसकी वजह से भी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो रहते हैं उनके ऊपर भी बहुत नेगेटिविटी चल रही थी। उसके बाद और एक न्यूज़ आया, गया जो DSP म्यूचुअल फंड है उसने DHFL के बॉन्ड जो है वो सेल किए थे हाई यील्ड में, यानी डिस्काउंट में सेल किए थे। उसकी वजह से लोगों को ऐसा लगा कि DHFL जो है उसके बाद फाइनेंशियल क्रंचेस आ गए, वो बैंक करप्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ न्यूज़ निकला, जैसे कि 2008 में भी US में हुआ था जो सब प्राइम का ये हुआ था, तो सेम कंडीशन में ऐसा कुछ सिचुएशन दिखा कि ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से भी मार्केट में घबराहट हो गई और बहुत DHFL का जो स्टॉक है वो बहुत उसमें बहुत बड़ा सेल ऑफ हो गया, और इतना सेल ऑफ हो गया कि वो 50% नीचे आ गया। और उसकी वजह से ओवरऑल मार्केट और जैसे कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है NBFC कंपनीज वो निगेटिव हो गए, और वो टाइम पे बहुत सारे टॉपलस ऐसे है वो ट्रिक हो गए। जैसे कि अभी जो ट्रेडिंग होता है वो एक नॉर्मली जो बड़े बड़े FIs DIs की ट्रेडिंग होती है वो अल्गो ट्रेडिंग पे होती है, और उनके टॉपलस लगाए होते हैं। जैसे उनके टॉपलस होते हैं तो उनका बड़ा सेल ऑफ हो जाता है, तो इसकी वजह से कुछ ही मिनटों में मार्केट इतना एकदम डाउन गया। जैसे कि नए लोग हैं उनको ये एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कि हमने ये बहुत बार देखा है वो मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि ऐसे पहले कभी हुआ है। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी में क्या हुआ था और ये पूरा चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीक के लिए जो अपना कि एक्सपायरी वीक है अपना भी नेक्स्ट वीक है, तो एक्सपायरी कौन से लेवल पे होते हैं वो देखेंगे। वैसे भी जो मार्केट ने 11100 जो ये अभी तक ब्रेक नहीं किया ये अभी तक पॉजिटिव है, इसके ऊपर रहेगा तो ये रेंज के आसपास ही एक्सपायरी हो जाएगी। वो रेंज क्या रहेगा मैं चार्ट के ऊपर आपको बताऊंगा। और जैसे कि इसमें नेक्स्ट वीक के लिए कौन से सेक्टर अपने लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव हम लोग देखेंगे। मार्केट इतना फ्री फॉल होने के बाद ज़्यादा सेक्टर बचे नहीं कि वो क्या पॉजिटिव अपने लिए रह सकते हैं, मोस्टली सभी सेक्टर नेगेटिव थे। लेकिन देखिए कि ऐसे मार्केट में आपको क्या करना है,
कि फ्राइडे को जितने भी स्टॉक थोड़ा मजबूत दिखा रहे थे, तो जैसे कि FMCG के कुछ स्टॉक थे, कुछ रिलायंस थे और कुछ स्टॉक्स हैं, तो उनमें आप जब आपको लॉन्ग रन है तो उसमें आप लॉन्ग रह सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे जो स्टॉक्स हैं फ्राइडे को जो पॉजिटिव थे वो स्टॉक ले सकते हैं या वो सेक्टर में फोकस कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिन तक आपको NBFC स्टॉक्स या फाइनेंस स्टॉक या बैंकिंग स्टॉक से थोड़ा दिन आपको दूर रहना है। इसमें और भी किसी का बॉन्ड का बॉन्ड यील्ड का चक्कर आ सकता है या कोई नेगेटिविटी आ सकता है, उसके वजह से शार्प डाउनफॉल भी आ सकता है, आए या नहीं आए, लेकिन आपको कुछ दिन के लिए उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। वो स्टॉक दे के छोड़ के आप दूसरे स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको चार्ट में बताया भी था कि मार्केट जो है कि डाउन ट्रेंड में है, तो ऐसा कुछ होता है ऑल ऑफ ए सडन डाउन फॉल आ जाता है, तो जो नए ट्रेडर्स है वो संभल के रहो, जो ओल्ड लोग जूनियर लोग हैं बहुत दिन से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसने डाउनफॉल का अपॉर्चुनिटी उठाया और प्रॉफिट भी किया है। तो मैं चार्ट पे जाके बताता हूँ कि एक ऐसे हुआ था, जैसे कि बहुत सारे मुझे ट्रेडर्स जो नए ट्रेडर्स है या इन्वेस्टर्स, उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा कुछ फॉल होता है तो आपका टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाता है क्या, अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं चला या आपका टॉप लॉस हुआ क्या हो गया हमको बताइए। तो मैं आपको इसके ऊपर चार्ट के ऊपर जाके बताता हूँ कि पहले चार्ट क्या बोल रहे थे, ऐसा कुछ इवेंट होने के पहले चार्ट क्या बताते रहते थे आपको, कौन सा वे बताते हैं, या जैसे कि स्पेशली यस बैंक नीचे गिरा या फिर DHFL, उनके चार्ट भी हम लोग जाके रीड करेंगे। इसलिए मैं ये टाइम में ज़्यादा आपके जो कमेंट्स दिए हुए जो चार्ट है स्टॉक जो है वो मैं कम ले रहा हूँ, और ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि जो फ्राइडे को हो गया वो इवेंट के बारे में मैं ज़्यादा फोकस करके उसका मैं टेक्निकल एनालिसिस आपको बताऊँगा। तो हम लोग जाके अब चार्ट के ऊपर देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक के बारे में, और स्पेशली येस बैंक और DHFL का स्टॉक भी देखेंगे कि गिरने के पहले उसमें टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर क्या दिख रहा था, या टेक्निकल एनालिसिस फेल हुआ या आपको बरोबर दिख रहा था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और ये इंट्राडे का चार्ट है। तो पहले हम लोग डेली का चार्ट में देखेंगे। तो ये डेली का चार्ट में देखिए, फ्राइडे का कैंडल है, इतना नीचे गया था मार्केट, ऑलमोस्ट जो लो था निफ्टी का वो था 10,867 और क्लोज दिया 11,143, यानी इतना नीचे जाके ऊपर जाके उसने क्लोज दिया, कवर करके क्लोज दिया था। तो आप अगर वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली भी बहुत नेगेटिव चार्ट आ गया है। और हम लोग अभी फिर से जाते हैं इंट्राडे में, देखते हैं कि इंट्राडे में आपको ये पता होता था कि मार्केट गिरने वाला है कि नहीं गिरने वाला है। तो हम लोग देखेंगे इंट्राडे में भी, देखिए 5 मिनट का चार्ट है। इस 5 मिनट का चार्ट में देखिए कि मार्केट सुबह ऑलमोस्ट ओपन और लो सेम था और चालू हो गया, बहुत ही पॉजिटिव था, लेकिन एक रेंज में चला और ये रेंज उसने यहाँ पे 12:30 बजे ब्रेक किया। तो ये कैंडल देखिए जिसने ब्रेक किया था, नॉर्मली जब ओपन लो ओपन होता है और वो उसका लो ब्रेक करता है तो एक नेगेटिव है सेल के लिए, आपको निफ्टी सेल करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, वैसे भी नॉर्मली ये ब्रेक करने के बाद मार्केट कितनी जल्दी से जोर से नीचे आ गया 10,867 के यहाँ तक, और यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल देके ऊपर गया और थोड़ा कवर होके क्लोज हो गया। तो अब इंट्राडे भी आपको पता चलता है कि यहाँ पे शॉर्ट करना है, और जिनको टेक्निकल्स आता है इंट्राडे आता है तो उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करके भी बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। लेकिन जो लोग नए हैं उनको डर लगता होगा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा सर फ्राइडे को क्या हुआ, ये जो फ्री फॉल क्यों हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं कि फ्लैश सेल बोलते हैं। तो फ्लैश सेलिंग हुआ था कि जैसे कि FIs DIs जो बड़े इंस्टीट्यूशनल रहते हैं उनका कोई टॉप लॉस स्ट्रीक होता है, एक लेवल रहता है, जैसे कि उनका जैसे कि 11,000 का एक लेवल था या फिर 11,100 का जो लेवल था उसके नीचे जब मार्केट ट्रेड करने लगा तो उनके टॉप लॉस स्ट्रीक होने लगे, और क्या हुआ उनका बड़ा बड़ा माल जो होता वो सेल ऑफ होने लगा, इसलिए फटाक से मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। तो ऐसा कभी पहले कभी हुआ नहीं, क्या नहीं हुआ है तो वो भी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। उसके पहले एक बताता हूँ कि जैसे मैं आपको पिछले कुछ वीक से बता रहा हूँ या महीनों से बता रहा हूँ, ये जो अप ट्रेंड था यहाँ पे देखो कि ये अप ट्रेंड था, मैंने एक चैनल भी बनाया था। तो ये अप ट्रेंड में मैंने आपको कहा था कि जब तक ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे ये जो दो कैंडल्स है इसके नीचे ये दो जो कैंडल्स है जब तक रेड कैंडल्स क्लोज नहीं होता मैं मानूंगा नहीं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में गया। और जिस दिन ये हो गया तो मैंने आपको कहा कि एक तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा या तो फिर डाउन जाएगा, तो ये मैंने क्लियरली बताया था। उसके बाद ये हो गया, अगर
आपको ऐसा लगता है कि आपको मालूम है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है और वो डाउन गया, तो उसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है या कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा और ऐसे मार्केट में गिरावट होते हैं तो आप ज़्यादा डर जाते हो। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस हो, आपको पूरा मार्केट के बारे में मालूम आता है, तो ऐसे दिन आपको टेंशन नहीं होगा, ये तो होता ही है। तो ये जो ऐसा फ्लैश हुआ था, पहले भी कभी हुआ था तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बार ऐसे हुआ था, तो मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। ये देखिए, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है देखिए, ये जो है 5 अक्टूबर 2012 का, तो इसमें भी मैं मार्केट के सामने था, किसको पता नहीं क्या हुआ था। क्या हुआ था कि इसमें, इसको बोलते हैं फिग ट्रेड या फिर जो बोलते हैं फैट फिंगर एरर्स। तो कोई FIs ने कुछ स्टॉक सेल करने थे, तो गलती से उन्होंने निफ्टी सेल किया था और 1000 पॉइंट मार्केट यहाँ से नीचे आया था, और लेकिन ये पूरा रिकवर हुआ था क्योंकि एक गलती था, यानी कि एक एक्चुअल कुछ पैनिक नहीं हुआ था कि सेल ऑफ की वजह से गलती से यहाँ पे ट्रिगर हुआ था। तो ऐसा ये फ्लैश सेल होता है मार्केट में कभी कभी, जैसे कि 2008 में भी देखिए कि ऐसे कैंडल्स आए थे यहाँ पे देखिए, लेकिन ये जो कैंडल्स थे ये पैनिक के थे। तो यहाँ पे देखो, पैनिक के बाद मार्केट डाउन गया भी है, ऐसा नहीं कि वापस कवर हुआ था। पहले एग्जाम्पल में वो तो गलती से हुआ था, इसलिए मार्केट वापस कवर हुआ। तो ऐसे दिन जो मार्केट में बहुत जूना टाइम से है, जैसे में हम लोग 2005-06 से है, तो ऐसे मार्केट हमको मालूम है, यहाँ पे हम लोग पैनिक नहीं होते। एक बार आपको मार्केट का ट्रेंड मालूम पड़ गया कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है निगेटिव है, तो वो टाइप से आप ट्रेडिंग करते रहिए, तो मार्केट में कभी तकलीफ नहीं होगा। ऐसे पैनिक आते रहेंगे, अगर डाउन ट्रेंड है तो इसमें डाउन साइड में ज़्यादा पैनिक आते रहेंगे। तो हमको देखना है कि नेक्स्ट वीक के लिए, जैसे कि एक्सपायरी वीक भी है, तो मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे। तो मैंने कुछ ये पिछले वाले भी लगाए जो एक हाई क्रिएट किया था जनवरी में मार्केट ने 11,162 का, उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन और भी अपने को चांस है कि मार्केट सपोर्ट ले सकता है। जैसे कि ये हाई बनाया था 15 मई को 2018 का अपना अभी का ही, तो ये जो हाई बनाया था 10,928, यहाँ पे भी अगर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, होल्ड कर सकता है, लेकिन जब भी एक्सपायरी के यानी नेक्स्ट वीक में क्या कर सकता है वो देखेंगे। तो ये जो मार्केट इतने जोर से नीचे गिरा है, अभी ये सेंटिमेंट मंडे को देखना है कि ये मार्केट का क्लोज था, जैसे कि फ्राइडे का जो क्लोज था, जो अपने को यहाँ भी दिख रहा है 11,143 40 के आसपास है ये, उसके नीचे अगर मंडे का कैंडल क्लोज नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके नीचे क्लोज होता है और निगेटिविटी दिखाता है तो ज़्यादा डाउन साइड है, यानी कि 11,000 भी ब्रेक करने का चांस है, उसके बाद 10,900 भी आ सकता है मार्केट। अगर ऊपर कवर होता है 11,162 के ऊपर भी जाता है तो, और ये जो पैनिकनेस आया था 11,272, और अच्छी बात है अगर वो मार्केट 11,346 के ऊपर क्लोज होता है तो। लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा, इतने नेगेटिविटी के बाद मार्केट वापस इमिडिएटली ऊपर नहीं आएगा। वैसे भी मैंने डाउन ट्रेंड लाइन भी लगाया है, अभी जो मैंने जो लेवल्स निकाले वो आपके नेक्स्ट वीक के लिए ये जो है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और थोड़ा हम लोग जो है कि ऑप्शन चेन के ऊपर भी जाकर देखते हैं कि मार्केट का क्लैरिटी हमको मिलेगा, तो हम लोग ऑप्शन चेन देखते हैं। तो ऑप्शन चेन में क्या होता है कि जितने भी पुट्स है, तो पुट्स जो जो राइट हुए हैं तो वो हम देखेंगे, पुट्स में वो पुट्स जो सपोर्ट का काम करेंगे। तो यहाँ पे जो है कि 11,000 का जो पुट्स है, यहाँ पे 11,000 पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए पुट्स ज्यादा राइट हो गए और इसमें जो ऐड भी हो गए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए ऐड भी हो गए 98,000। उसके बाद जो है दूसरा नीचे वाला सपोर्ट है 10,900 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो 10,1100 को अभी भी सपोर्ट कर रहा है मार्केट। ऊपर वाले लेवल में रेजिस्टेंस जो है वो जो है कि यहाँ पे देखिए 11,200, तो 11,200 जो है यहाँ पे ऑप्शन कॉल ऑप्शन राइट हो गए और उसमें इसमें एडिंग भी हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ऐड भी हो गया। दूसरा आगे वाला जो है ये लेवल है 11,250, देन यहाँ पे दिखता है आपको 11,400, 11,400 में भी कॉल यहाँ आपको राइट दिखते होंगे, लेकिन देखिए कि यहाँ पे जो है इसमें ये जो है कि वापस
माइनस भी हो गए, यानी पोजिशन क्लियर अप हो गया है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में एक कम हो गए, यहाँ पे भी कम हो गए और यहाँ पे भी कम हो गए। तो बड़े सिप यहाँ पे है जो 11,200 जो है, यहाँ पे ही सिप आपको देखेंगे कि यहाँ पे ही बड़े हुए हैं। तो 11,200 और 11,000 जो है कि 11,000 के ऊपर और 11,200 के बीच में एक्सपायरी होने का चांसेस ऐसा लग रहा है, लेकिन मार्केट है जो लेवल्स मैंने बताए थे उसके ऊपर आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो है हमारा बैंक निफ्टी देखेंगे, तो बैंक निफ्टी देखिए पहले से ही पैनिक था और ऐसा ये आने के बाद पैनिक ही होगा, और जिसमें मोस्टली क्या हो कि बैंकिंग जो फाइनेंशियल NBFC वो बैंकिंग से बिलीव ये करते हैं, रिलेट करते हैं, तो क्या होगा कि बैंकिंग को तो नेगेटिविटी आना ये था ही कंपलसरी है। तो थोड़ा मैं इसके नए लेवल लगा देता हूँ, ये तो बहुत ही जूनियर हो गया। तो अभी बैंक जो है उसको जो एक सपोर्ट है 25,419 जो है वहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, ये लेवल अगर होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी रिकवरी दे सकता है। अभी जैसे कि ये जो फ्राइडे का कैंडल था बहुत ही बड़ा है, तो इसमें और एक हम लोग इसका मिड लेंगे तो 25,976 और ऊपर 26,485 इसके रेसिस्टेंस आएंगे। नीचे जो सपोर्ट है 25,419, उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनता है बैंक निफ्टी को जो है 24,992 और 24,731 ये होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी अच्छी तरह होल्ड कर सकता है, अदरवाइज और भी नीचे वाले टारगेट आ सकते हैं। तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, जैसे कि येस बैंक के बारे में देखेंगे हम लोग डेली के ऊपर, तो मैं डेली का चार्ट बड़ा कर देता हूँ। तो मुझे येस बैंक के बारे में अगर आपको याद रहेगा तो लास्ट वीक में मैंने येस बैंक के बारे में बात किया था, तो येस बैंक तो यहीं पे था, ए लेवल पे था। तो मैंने बताया था कि अगर येस बैंक में आपको ट्रेड करना है तो ये यहाँ से ब्रेकआउट होने दो, 332 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट होने दो तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज यहाँ से रेसिस्टेंस लेके या नीचे आ जाएगा। तो देखो एक रेड कैंडल ने रेसिस्टेंस भी दिया था और यहाँ से मार्केट ये जो है येस बैंक नीचे भी आ गया, इतना नीचे आएगा तो मुझे मालूम नहीं था कि इतना नीचे आएगा, लेकिन लग तो रहा था कि यहाँ पे रेसिस्टेंस लेगा तो डाउन साइड में जाएगा और वो ऐसे गया भी है। रेफरेंस के लिए आप जो मेरा पिछला वाला लास्ट वीक का वीडियो है उसके बारे में आप देखिए, इसके बारे में मैंने कहा था। दूसरा तो ये इवेंट वाला कैंडल है, दूसरा भी DHFL ये भी इवेंट वाला चीज़ है। अभी देखिए कि जैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक मेरा वीडियो था, आप जाके रिफर कर सकते हैं, उसमें मैंने बताया था कि ये जो हुआ था ये रैली बेस रैली, तो यहाँ पे कोई FIs ने बाय किया था इसलिए ऊपर गया था, तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस ले रहा था और यहाँ पे सपोर्ट, तो यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट लिया उसने, यहाँ पे भी लिया और यहाँ पे भी लिया, तो ये दोनों एक ही जगह पे सपोर्ट है। ये इसके बाद है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ऑलमोस्ट ये सेकंड, ये भी सेकंड लोगों, तो ये थर्ड वाला आता है। तो कोई भी सपोर्ट जैसे जहाँ पे मैंने देखिए ये लगा है, जहाँ पे मैंने बड़े बड़े ये लगाए तो वहाँ पे देखो हर एक जगह पे एक ग्रीन कैंडल आया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल आने के बाद आप बाय करोगे, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल आया नहीं, डायरेक्ट गिर गया। और जहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लेते उसके बाद यहाँ से ये सपोर्ट टूटने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे भी टेक्निकल गया, तो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन ये रहता है कि अगर आप टेक्निकल देख रहे हो ऐसा कुछ होगा ये तो क्या होता है। देखिए ऐसा कोई तो 4 साल में या 10 साल में ऐसा होता है फ्लैश सेल, और वो भी होता है तो अपने डायरेक्शन के साथ ही होता है, डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं हुआ, ये समझो कि मार्केट डाउन है। अभी DHFL या अभी येस बैंक ने भी बताया था कि ये डाउन साइड जाएगा, लेकिन कितना जाएगा वो तो इवेंट का जोर, इवेंट में कितना जोर है उसके ऊपर वो नीचे गया, यानी कि अपना जो टेक्निकल है वो फेल नहीं हुआ। ये मेरे को बताने की जरूरत क्योंकि मैं अच्छी तरह टेक्निकल 12 साल से रीड कर रहा हूँ, कभी कभी टॉप लॉस हो जाते हैं, ऐसे नहीं कि गलत नहीं होता है, लेकिन मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप टेक्निकल पे बिलीव करो। ऐसा नहीं कि एक आधा बड़ा इवेंट हो जाता है उसमें आपको कोई किसी का लॉस हुआ होगा और वो मार्केट को बिलीव नहीं करेगा, या तो फिर लॉस भी नहीं हुआ, ये जो पड़झड़ देख के भी डर जाते आदमी, तो डरो मत। आपको अगर टेक्निकल अच्छी तरह फॉलो करते हो तो आपको आप अच्छी तरह से रहोगे, मुझे वो साइड पे रहोगे, उसका अगेंस्ट नहीं रहोगे, या बड़ा लॉस नहीं हो जाएगा, या फिर आपका प्रॉफिट भी हो सकता है अच्छी तरह। तो मैं वो स्टॉक लेता हूँ
जिन्होंने मुझे स्टूडेंट्स ने अपने व्यूअर से पूछा है, तो पहला मुझे धर्मश्री ने पूछा है एसक्यूएंट साइंस करके तो ए स्टॉक के बारे में मुझे पूछा है। तो देखिए फिलहाल ए स्टॉक में यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था, इसने नहीं लिया है, तो ये थोड़ा नीचे आ सकता है, और नीचे आएगा तो आपको बाय करना है, तो बाय पोजीशन के लिए 49 एक अच्छा लेवल है, अभी इसको आप बाय नहीं कर सकते। उसके बाद मुझे ये जो है कि शंकरा दर्शन करके है, उन्होंने मुझे शंकरा के बारे में पूछा है, शंकरा के बारे में मुझे सोनू करके उन्होंने पूछा है, तो शंकरा के बारे में मैं देखता हूँ। तो शंकरा ये देखिए कि ये भी बहुत सपोर्ट ब्रेक करके नीचे नीचे जा रहा है, और कल का पोजीशन में तो उसने भी वैसे ही कैंडल बनाए सभी जो जिन्होंने बनाया है, तो एक सपोर्ट के यहाँ पे वो आया है, उसका टॉपलास है 958 का टॉपलास लगा के इसको बाय कर सकते हो। सब लोग ये देखना कि मार्केट कंडीशन क्या है, उसके ऊपर आपको सब टॉपलास लगाना चाहिए। अगर आपको डिलीवरी बेस लेना है तो बहुत समझ के लेना, इंट्राडे कर सकते हो, जिस टाइप के मार्केट आपको रिएक्ट करता है उस टाइप से आप कर सकते हो। मुझे यश सिंह करके उन्होंने टाटा स्टील BPCL SBI और ICICI के बारे में पूछा है, तो टाटा स्टील हम लोग देखते हैं। देखिए टाटा स्टील में भी ऐसा मोमेंटम आ गया, लेकिन टाटा स्टील अभी एक रेसिस्टेंस के इधर आ गया है, तो अभी इसमें लॉन्ग जाने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है। ये 646 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो नया मोमेंटम आ जाएगा, तो अभी इसमें वेट करना चाहिए। बाद में BPCL के बारे में भी पूछा है उन्होंने, तो BPCL देखिए कि एक डाउन ट्रेंड में बना रहा था, तो अभी कुछ फ्राइडे को उसने इतना गिरे हुए मार्केट में भी पॉजिटिव दिया है, तो देखते ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है तो एक क्रूड ऑयल के ऊपर पूरे डिपेंड है, तो मैं एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके देखता हूँ। तो अभी तक उसने पॉजिटिव ब्रेकआउट नहीं दिया है, अगर इसके ऊपर दो कैंडल ग्रीन क्लोज करता है तो उसको पॉजिटिव ब्रेकआउट हो जाएगा, उसमें बाय कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए अगर आपको बाय करना है तो ये जो है 378 के ऊपर 379 के ऊपर अगर जाता है इंट्राडे में, तो आप BPCL मंडे को भी बाय कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, एक आध परसेंट प्रॉफिट गेन करके जल्दी निकल जाइए। दूसरा SBI है, तो देखो SBI जो है स्टॉक है, ये जो ये भी एक बैंकिंग में आता है, एक रेसिस्टेंट था 279-280, उसको उसने टच किया, ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आ गया, तो SBI में भी संभल कर ट्रेड करना, क्योंकि बैंकिंग और NBFC स्टॉक जो है उसमें बहुत ही आपको संभल कर ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो ये आउटकम आया था उसका कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, तो बैंकिंग स्टॉक थोड़े अवॉइड करना कुछ दिन के लिए। दूसरा ICICI बैंक के बारे में भी मुझे पूछा है, तो देखो ICICI बैंक जो फ्राइडे को भी एक अच्छे लेवल पे उसने सपोर्ट लिया है, इसको भी मैं आपको बोलूँगा अच्छा ट्रेड करो, 317 जो खड़ा है उसके ऊपर जाने के बाद उसका ही टॉपलास लगा के आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि पूरा बॉर्डर के ऊपर है, या बड़ा टॉपलास चाहिए तो 308 का टॉपलास आ जाएगा, वो लेके आप उसको लॉन्ग जा सकते हो, लेकिन जैसा मैंने बताया इस पे बैंकिंग स्टॉक पे आपको एकदम स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये मुझे मारुति और कोटक बैंक के बारे में मयूर करके उन्होंने पूछा है, तो मारुति का मैं स्टॉक देखता हूँ। देखो मारुति जो है वो बहुत ही नेगेटिव अभी चल रहा है, उसने एक फ्राइडे को भी अपना एक सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया है, तो इसमें भी ट्रेड नहीं बनता है, नेक्स्ट सपोर्ट जो आता है उसका ए लेवल पे आ रहा है 7783 7667, यहाँ पे आएगा तो टॉप लॉस लगा के आप नीचे वाला जो टॉप लॉस है 7667 लगा के आप ट्रेड कर सकते हो। ये जो एक कैंडल एबनॉर्मल कैंडल आया था, अभी सबको मैं वही बताऊंगा एबनॉर्मल कैंडल आया था, तो थोड़े दिन आपको प्रॉपरली मार्केट कैसे क्लियर करता है वो देखना पड़ेगा। बाद में मुझे कोटक बैंक के बारे में भी पूछा था, देखिए कोटक बैंक भी वैसा ही है जैसा मैंने एक एग्जांपल में भी बताया था कि इसका टॉप लॉस हिट हो गया था, ये जो है यहाँ का टॉप लॉस के वीडियो में मैंने बताया था, तो बाद में ये नेक्स्ट लेवल जो मैंने बताया था ये नेक्स्ट लेवल पे ये आ गया है, यहाँ से जो है कि 1157 का एंट्री और 1142 का टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं जब ये और भी नीचे आएगा तो, और ये भी बैंकिंग स्टॉक है तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करना।
भाविक का है, उन्होंने मुझे पूछा है इंडिया ग्लाइकोल के बारे में। तो इंडिया ग्लाइकोल एक साइडवेज स्टॉक है, इसका एक सपोर्ट है, लेकिन ये कुछ इतना भारी सपोर्ट नहीं है। 444 का टॉपलस लगा के अगर 455 के आसपास आता है तो बाई कर सकते हैं, वापस ये लेवल तक जा सकता है जो उसने वहाँ से गिरावट हुई थी, 528 तक जा सकते हैं। इधर वेट करना पड़ेगा, एक ग्रीन कैंडल आने के बाद ही बाय कर सकते हैं, उससे पहला नहीं कर सकते। हर्ष है, उन्होंने मुझे बजाज फाइनेंस और रिलायंस के बारे में पूछा है। तो देखिए, बजाज फाइनेंस है, मैं भी इसको फॉलो कर रहा था बहुत दिन से, लेकिन क्या है, ये भी NBFC है, तो इसने पहले भी एक टॉपलस हिट करके नीचे आ रहे हैं, और फ्राइडे को देखो एक ये लेवल है उसके ऊपर उसने सपोर्ट लिया है, ट्रेंड लाइन का लेवल लेके सपोर्ट लिया है। यहाँ पे आप उसको ये जो है कि बाय भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सपोर्ट पे करना है तो सपोर्ट है 2297 और उसका टॉप लॉस है 2252, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो अभी खड़ा वही है, वहाँ पे ग्रीन आए तो बाय कर सकते हो। लेकिन याद रखना NBFC है, तो बहुत ही इसमें केयरफुल रहना, और NBFC को आप दूर रह सकते हो तो भी अच्छा है। बाद में रिलायंस के बारे में मुझे पूछा है, तो रिलायंस देखिए कि अगर फ्राइडे को देखो तो मार्केट पूरा गिर रहा था, लेकिन रिलायंस देखो स्टेबल है, यानी कि न्यूट्रल है, और एक सपोर्ट पे भी उसने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे अगर वो सपोर्ट लेते मंडे को, अगर ग्रीन कैंडल देता है तो 1179 का टॉप लॉस लगा के इसमें बाय कर सकते हैं, बहुत ही एकदम स्टेबल लग रहा है ये लेवल पे भी। तो एक उस स्टॉक है उसके बारे में मुझे स्टूडेंट ने पूछा था, तो मैं और एक बताता हूँ कि मैं जैसे नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक बताता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा कि आप देखें कि यहाँ पे जाके आप निफ्टी में जाइए और निफ्टी में देखिए कि जो भी स्टॉक है, जैसे कि यहाँ पे गिरे हुए स्टॉक है, यहाँ पे टेढ़े हुए स्टॉक है, तो इसमें जितने भी आपको स्टॉक दिख रहे हैं यहाँ पे मेरे, यहाँ पे देखिए मेरे स्क्रीन का लेफ्ट साइड में ये जितने भी स्टॉक्स है, सॉरी, ये जितने भी स्टॉक्स है यहाँ पे, वो देखिए कि वो स्टॉक में जैसे कि BPCL, IOCL, HPCL, राइट, तो ये जो स्टॉक्स है सब इन पेट्रो, हिंदाल्को, ONGC, ये मोस्टली जब भी मार्केट इतना गिरा तभी भी गिरे नहीं है, तो स्ट्रांग है। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म में लेना है और ये मार्केट अब ज़्यादा पैनिक होता है तो ऐसे स्टॉक में आप बाइंग कर सकते हो। इसमें से HPCL, BPCL और IOCL जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उस पर जरा क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट रहता है, तो वो देख के लेना है। अदरवाइज जैसे कि ITC, TCS, M&M, पावर ग्रिड, एशियन पेंट, ये जो मार्केट गिरने के बाद भी नहीं गिरे, तो ये स्टॉक में अभी तक स्ट्रेंथ बाकी है, तो ऐसे स्टॉक आप शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हैं। इसलिए मैं हर एक का चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ये स्टॉक ही देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं। ओके, या कोई भी एकाध सेक्टर नहीं है क्योंकि सभी सेक्टर पिट गए हैं, तो कोई मैं सेक्टर पर्टिकुलर नहीं बता रहा हूँ ये टाइम पे, तो आपको मैं खाली स्टॉक बता रहा हूँ। तो जो भी मार्केट बहुत गिरता है, पैनिक होता है, और वो टाइम पे जो स्टॉक स्टैंड अप रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो स्टॉक में मोस्टली और जान बाकी है, तो उसमें आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो मेरा अभी स्क्रीन पे लगा है, इंक्लूडिंग रिलायंस, टाटा स्टील वगैरह सभी इंक्लूड है। तो नेक्स्ट वीक में आप संभल कर ट्रेड कीजिए, और अच्छा ट्रेड कीजिए, और प्रॉफिटेबल ट्रेड कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, बाय बाय। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो आपको? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और आपके कमेंट दीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं आपके कमेंट सब जितने भी कमेंट पूछे उसने भी मैं स्टॉक कवर करूंगा। ये टाइम में थोड़ा वीडियो बढ़ सकता था, इसलिए मैंने कुछ कमेंट्स नहीं लिए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम में मैं ये कमेंट्स कवर करूंगा। और जो फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोज हम लोग लेके आते हैं, स्टॉक मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस के एजुकेशनल वीडियोज भी हम लोग लाते हैं, तो इसका बेनिफिट लेके आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और जिन लोगों को मेरे साथ आके टेक्निकल एनालिसिस सीखना है और प्रोफेशनली टेक्निकल एनालिसिस बनना है, वो हमारे इधर आके मुंबई में, ठाणे में आके मेरे साथ सीख सकते हैं। हमारे कोर्स के डिटेल मैंने अपने स्क्रीन के ऊपर दी है, इसको देख के हमको प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, और व्हाट्सअप पे मैं आपको पूरे डिटेल्स देता रहूँगा। नेक्स्ट वीक के लिए आप संभल कर ट्रेड कीजिए, और आपको ट्रेडिंग आपका ट्रेडिंग अच्छा हो जाए। हमारे ऐसे स्टॉक, हमारा ऐसे वीडियोस देखते रहिए, और
नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, बाय बाय।